सीमा हैदर भारत आई तो अंजू ने पार किया पाकिस्तान का बॉर्डर। मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई दो दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ। फेसबुक फ्रेंड के लिए भारत से पाकिस्तान पहुंच गई अंजू। बोली सीमा जैसा नहीं है मेरा मामला, दो दिन में लौट आऊंगी अपने भारत। वापिस भी आ रही हूँ मैं, अभी बस दो तीन दिन में मैं पहुंच जाऊंगी वहाँ पे। पाकिस्तानी सीमा हैदर का मामला भी शांत नहीं हुआ। इसी बीच राजस्थान के भिवाड़ी शहर से रविवार को ऐसा ही एक मामला सामने आया। भिवाड़ी जिले में स्थित होंडा मोटर्स में काम करने वाली अंजू 21 जुलाई को भिवाड़ी से अपने पाकिस्तानी दोस्त नसरुल्ला से मिलने वहां पहुंच गई। एक तरफ जहां सीमा हैदर प्यार में पड़कर सरहद पार कर अवैध तरीके से पाकिस्तान से भारत पहुंच गई, ऐसे ही अब भारत की अंजू इश्क के चक्कर में वाघा बॉर्डर पार कर पाकिस्तान पहुंच गई। अब उसकी लव स्टोरी की भी खूब चर्चा हो रही है। यूपी के कैलोर की रहने वाली अंजू अपने फेसबुक फ्रेंड और प्रेमी से मिलने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। प्रेमी नसरुल्ला से मिलने के लिए अंजू पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गई है। नसरुल्ला वहीं रहता है और वो पेशे से एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है। पाकिस्तान के लिए अंजू के वीजा की डिटेल्स भी सामने आई है। अंजू की पाकिस्तान यात्रा के लिए 4 मई को पाकिस्तान द्वारा वीजा जारी किया गया था। इस वीजा की वैलिडिटी 90 दिनों की है और उसने वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान में एंट्री की है। भारतीय लड़की अंजू का कहना है कि वह नसरुल्ला से प्यार करती है और उसके बिना नहीं रह सकती। मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई दो दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ और मैं यहाँ पे सेफ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरे जाने का प्रोसेस है और मैं वापस भी आ रही हूँ। मैं अभी बस दो तीन दिन में मैं पहुंच जाऊंगी वहाँ पे आराम से। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है सारे मीडिया वालों से, सबसे, कि प्लीज आप मेरे रिश्तेदारों को और बच्चों को परेशान ना करें। बस ये रिक्वेस्ट है, उनको परेशान ना करें प्लीज। जो कुछ बात करनी है मुझसे बात करें, मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं लाइन पे हूँ हर टाइम। जैसे सीमा हैदर को लेकर सुरक्षा एजेंसियां यहां जांच कर रही हैं, उसी तरह अंजू के पाकिस्तान जाने के बाद वहां की एजेंसियां भी उसकी जांच कर रही हैं। बता दें कि सीमा हैदर और अंजू की कहानी मिलती जुलती है। दोनों ने ही प्यार में पड़कर अपने देश की सरहदों को पार किया। इस घटना को लेकर अंजू के पति अरविंद बेहद हैरान है। अरविंद को नहीं पता था कि उनकी पत्नी पाकिस्तान क्यों और कैसे गई। हालांकि उन्होंने एक चैनल को बताया कि उनकी अंजू से लगातार बात हो रही है और वह जल्द ही वापस आने के लिए बोल रही है। इस मामले पर चैनल ने पाकिस्तान में मौजूद अंजू से खास बातचीत की। अंजू ने खुद ललित यादव से पाकिस्तान में होने की बात को स्वीकार किया है। अंजू ने बताया है, यहाँ मेरा एक दोस्त है, मेरी उनके परिवार से अच्छी बातचीत है, हम 2 साल पहले दोस्त बने थे, यहाँ पर शादी थी, मैं उसे अटेंड करने आई हूँ और यहाँ पर जगह अच्छी थी तो घूमने के लिए आई हूँ। मेरा ऐसा कुछ नहीं है, सीमा हैदर से मेरी तुलना करना गलत है, मैं तो वापस आ जाऊंगी और मैं यहाँ बिल्कुल सेफ हूँ। मैं वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान पहुंची हूँ। सबसे पहले मैं भिवाड़ी से दिल्ली आई थी, दिल्ली से अमृतसर पहुंची, उसके बाद वाघा बॉर्डर पार किया और फिर वहां से पाकिस्तान पहुंची। मेरी दोस्ती 2020 में हुई थी, काम के सिलसिले में मैंने फेसबुक चलाना शुरू किया था। उसी दौरान नसरुल्ला से मेरी बातचीत होना शुरू हो गई। पहले फेसबुक से होती थी, बाद में नंबर एक्सचेंज हुए और व्हाट्सएप पर बातचीत होनी शुरू हो गई। मैं नसरुल्ला को 2-3 साल से जानती हूँ। मैंने अपनी बहन और माँ को पहले दिन यह बात बता दी थी। दरअसल ये खबर आई थी कि भिवाड़ी से एक शादीशुदा महिला जिनका नाम अंजू है, वह पाकिस्तान चली गई। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की लव स्टोरी की तरह इस केस को देखा जा रहा है। क्रिश्चियन महिला की उम्र 36 साल है, वह 2 बच्चों की माँ है। 2000 साल में फादर के माध्यम से दोनों की शादी हुई थी, तभी से दोनों भिवाड़ी में रह रहे थे। महिला ने करीब 1 साल पहले पासपोर्ट बनवाया था। तो अब देखना होगा कि अंजू कितनी जल्दी भारत वापस लौटती है। तो आप इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत।